अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा चोंगचिंग के अंदर दूसरा दिन है और अभी मैं मॉर्निंग के तकरीबन 9 बज रहे हैं, अभी उठा हूँ यहाँ पर। और अभी नाश्ता शाश्ता नहीं हमने कुछ भी किया, कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी उठा हूँ और नीचे आया हूँ। तो सबसे पहले हमने आज जो काम करने वाला वो ये है कि हमने डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पर एक पास में एक डॉक्टर ढूंढा है हमने, जिसके वो ब्रेसिस टूट गया ना, तो उसको बस वो ब्रेसिस मैंने बाहर निकलवाना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, क्योंकि वापस जाके भी मैं वो करवा लूँगा, ठीक है, वहाँ से फिक्स करवा लूँगा ल्यूचर से। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले डॉक्टर के पास। और दूसरी जो इस व्लॉग की जो स्पेशल बात वो ये है कि आज इस व्लॉग में ना मैं आपको अपना टोटल एक दिन में जितना भी खर्चा होगा ना वो बताऊँगा कि मैं टोटल एक दिन में कितनी यानी कितने पैसे स्पेंड करता हूँ, क्योंकि उससे ना आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि लाइक आप लोग भी सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके भी थोड़े तरीके भी आपको बता दूंगा कि आपने रूम कैसे लेना है, उसको तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, लेकिन कोई और तरीके भी बता दूंगा, ठीक है। ताकि बहुत से लोग जैसे कि CSE स्कॉलरशिप पे आते हैं तो उनको भाई एक महीने का 3,000 से 4,000 भी मिलता है, तो भाई एक महीने का वो स्टाइपेंड बचा के वो तो अच्छे से चाइना में ट्रैवल कर सकते हैं। मैं ये आपको बता दूँ, दो सिटी तो वो कम अज़ कम है ना वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो उनको 3,000 से 4,000 के अंदर अंदर। तो भाई आज मैं आपको अपना मॉर्निंग से लेकर शाम तक जितना भी खर्चा होगा, चाहे वो मेट्रो का है, चाहे वो खाने पीने का, जो भी है ना रूम का, टोटली वो भी आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। और आपके साथ वो दूसरा जो है ना अपना आज का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि आज हम चोंगचिंग में कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या खाएंगे, ठीक है। तो चले इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और पहले सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, लेट्स गो। जी दोस्तों, अभी हमने अपने जो है ना मुँह को फिक्स करवाना था वो करवा लिया, वो फ्री में हो गया। और अभी हम आए हैं अपने लंच के लिए। मैं इधर एक बहुत ओल्ड सी शॉप है, यानी कि पुरानी जो होती है ना पुरानी शॉप है जो होती है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी कई पुराने नेम है, उस तरह की हमने पुरानी जो ना ओल्ड शॉप वो ढूंढी है, ठीक है। और उस पर हमने शाओमी नहीं ऑर्डर किए हैं, अब देखते हैं कि उसका टेस्ट किस तरह का है और मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखने में बड़ी ओल्ड है। तो दोस्तों, ये वो बिल्डिंग के नीचे एक छोटी सी शॉप है यहाँ पर, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खा रहे हैं। देखें, मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ और अभी हमने ऑर्डर कर दिया, अभी आता है तो मैं दिखाता हूँ। ये चने देखे ना पाकिस्तान की याद आ गई है, वाकई यार बहुत मज़ेदार है ये नूडल्स, बहुत मज़ेदार है, ब्लैक पेपर में बनाए हुए हैं, बहुत मज़ेदार है भाई। ये हमने ख़त्म कर दिया है और अभी दिल कर रहा है कि एक और लाऊं, लेकिन मसला पता क्या है, यहाँ की जो फूड है ना वो एक तो पहले काली मिर्च में बनी हुई है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मज़ेदार। वो वाला स्पाइसी नहीं है, ये वाला वो वाला स्पाइसी है कि लाइक आप खाओगे तो आपका दिल करेगा और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ। तो अभी थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये पेट फूट ना ख़राब हो जाए। मुझे ना ऐसी जगह पसंद है जहाँ पर टेस्ट हो, चाहे वो सिर्फ एक छोटी सी शॉप ही हो ना, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। वाकई यार इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन देखो ये कितनी छोटी सी एक शॉप है और इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत भाई। ये चाइना ने देखो जी वैगन की भी कॉपी बना दी है। दोस्तों, अभी हमने खाना खाना खा लिया और अभी हमने जाना है यहाँ पर पास में एक प्लेस है, वहाँ उसका नाम है सिचिखाओ, तो वहाँ चलते हैं। अभी मैं मेट्रो लूँगा, मेट्रो यहाँ से थोड़ी सस्ती पड़ती है और पास ही, इतना दूर भी नहीं है, तो मैंने मेट्रो की टिकट ले ली है। अभी चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि फिर वहाँ पर क्या सीन है, कैसी प्लेस है, क्या सीन है, तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो गाइस।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुशी खोबर। यहाँ पर ये ओल्ड टाउन है और ओल्ड कल्चर, जैसे वो पहले चाइना की बिल्डिंग्स होती हैं वो उस तरह का कुछ बनाया हुआ है उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ेदार जगह है ये, कुछ इस तरह का है फ्रंट से। और अभी बैक पे चलते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना इसका इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ इस टाउन का। एक्चुअली इनका जो तरीक़ाकार है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि अपने जो कल्चर को ना वो नहीं भूलते। तो ये पहले जो इनके गांव होते थे ना वो इस तरह के होते थे, लाइक छोटी छोटी सड़कें ऊपर नीचे, ठीक है, और इस तरह के मकान होते थे। तो अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो तो आपको पता है अपार्टमेंट्स में रहती है, आपने देखा ही होगा शंघाई बीजिंग में कितने कितने बड़े अपार्टमेंट हैं, अभी इधर भी कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन ये अपनी छोटी जो आने वाली नस्लें होती ना, यानी कि जब छोटे बच्चे हैं उनको ये अभी भी ये बताते हैं, सिखाते हैं कि हम पहले ऐसे माहौल में रहते थे, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी। अब ये देखे ना, ये तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पर बर्गर शॉप खोली हुई है। हालांकि ये एक है घर ही है ना, घर टाइप ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर शॉप खोली हुई है। काफ़ी डिफरेंट किस्म की ना शॉप्स खोली हुई हैं इसके अंदर। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो यहाँ पर घर होते थे, इनके लोग रहते थे, उनका एक माहौल होता था। लेकिन अभी भी वो कल्चर को ना अपने को लाइक चाह रहे हैं कि हम वो ना भूलें अपना जो पास्ट था उनका, चाहे वो जितना मर्ज़ी अब इम्प्रूव कर लिया उन्होंने, लेकिन वो अपना पास्ट नहीं भूलते। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इनकी बातें। और बाकी ये प्लेस वाकई बड़ा, मतलब कि ना जैसे ना वो एक गांव वाला माहौल, अक्सर हमने ना वो कार्टून्स में देखा होता है, जैसे कि छोटा भीम हमारे पाकिस्तान में भी चलता था, उसमें नहीं वो गाँव में छोटे छोटे घर झोंपड़ियाँ बनी होती थी, वो वाला सारा सीन नज़र आ रहा है यार अभी के, लाइक छोटे छोटे घर बने हुए हैं, अब उसमें लोग जब रहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। और अभी तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा शोर है, ये ऐसे वैसे है, लेकिन तो जब आज से 100-200 साल पहले वो वाला माहौल कैसा होगा। तो ये आज भी उन्होंने अपने आप ना उन चीज़ों को अभी भी रखा हुआ है, इस चीज़ को मेंटेन करके, कि आज आने वाले छोटे बच्चे हैं उनको भी बताएं कि यार हमारा जो पहले ये सीन होता था। जी दोस्तों, अभी हमने यहाँ से जो भी देखने वाली कुछ प्लेसेस वो देख ली हैं, और अभी हम वापस जा रहे हैं उसी प्लेस पर जहाँ पर हमारा होटल है। क्योंकि वहाँ पर मुझे ना एक शॉप नज़र आई थी, वो बहुत ही पुरानी है, और वहाँ का मुझे लगता है हॉटपॉट भी मज़ेदार होगा। तो अभी वहाँ पर चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं, हॉटपॉट खाने का प्लान है आज, तो हॉटपॉट खाते हैं। मैं आपको हॉट जो छोंगछिंग की जो स्पेशल फूड है हॉटपॉट, वो भी आज दिखाऊँगा कैसे खाते हैं उसको, कैसे पकाते हैं, और वो उसका टेस्ट किस तरह का होता है, ठीक है, तो वो वहाँ जाके दिखाता हूँ। असल में मैं जितना भी वो प्लान बना रहा हूँ ना इधर उधर घूमने का, तो यहाँ पर एक ऐप होती है होंग सू, वहाँ पर ना बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं, तो मैं उसको देख देख के फॉलो कर रहा हूँ। उस पर मैंने एक ढूंढी थी एक जगह, तो रात को वो भी बड़ी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, जैसे कि कल रात वाली थी। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं फिर मैं खाना खाने के बाद फिर वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं उस शॉप पर जहाँ से हमने हॉटपॉट खाना है। तो ये वही शॉप है जिसमें पहले हमने वो दोपहर में खाना खाया था ना, उसके साथ ही बिल्कुल ये शॉप है।
और ये भी वही छोटी सी शॉप लग रही थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने कहा यार मुझे हॉटपॉट खाना है, तो वो कहते हैं अच्छा चलो तो आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर गया यार, इतनी बड़ी ये शॉप है, उसके आगे 3-4 पहाड़ है, और कहते हैं कि ये बहुत पुरानी शॉप है तो यहाँ का टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो मैं अभी आपको ना ये शॉप का विज़िट कर, तो ये जो सीटें हैं ना ये सिर्फ यहाँ पर बैठ के खाना खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ वेटिंग लिस्ट के लिए है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी कितनी ये मशहूर है ये, ठीक है। तो अभी मैं तो सोच रहा था कि ये सिर्फ छोटी सी दुकान है, मैंने यहाँ से देखा ये वही शॉप है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये उनका यहाँ पर, तो मैं इधर से अंदर आया, मैंने कहा यहाँ पर ये सिर्फ यही एक छोटी सी शॉप होगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जब आप अंदर जाते हो ना, इधर से अंदर आए ये सारा हॉल इनका है। और पीछे मुझे जाके ना उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ बाद में जाके, बात कर रहा था अभी इधर भी है ये शॉप इनकी, अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉप भी है, ये शॉप भी करके पूरा एरिया इन्हीं का ही यार। ये वाकई वही वाला सीन है, कोई ना जैसे लॉरी को सुनाना होता है ना वो, ठीक है वही वाला सीन है। अभी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इसका, ठीक है। ये अभी हॉट पॉट है स्पेशल, इस तरह की होती है कढ़ाई होती है, ठीक है। इसके नीचे अभी आग लगाएंगे और इसमें इन्होंने ये देखिए कितनी ज़्यादा मिर्चें और जिस डिफरेंट जो स्पाइसेस वो ऐड कर दी हैं, ठीक है। इसमें पानी डालेंगे, फिर हमें कुछ कच्ची सब्जियाँ और कच्चा गोश्त मिलेगा जो हम इसमें डाल लेंगे और उसको पका कर फिर खाएंगे, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है हॉट पॉट का। तो ये देसी घी है जो पाकिस्तान में मिलता ना, वो भी पाकिस्तान वाला देसी घी है। थोड़ा स्पाइसी है, पसीना आ रहा है मुझे अभी, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा था कि इतना कोई स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन ये पूरा जग हमने ख़त्म कर दिया है। और अभी साथ में दोबारा तो नए भी ऑर्डर किया यार, बहुत स्पाइसी है भाई, आंखों से पानी पसीना। तो दोस्तों ये हमारा हॉटपॉट का बिल है 199 RMB, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम किसी बड़े मॉल में जाके खाएं ना तो वहाँ पर तो 400-500 ऐसे लग जाता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, या देखो अभी कितने ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। हमारा जो टाइम था वो बड़ा परफेक्ट टाइम था, सही टाइम पर मैं आ गया था, इसलिए हमें मतलब लाइन पर नहीं लगना पड़ा। अभी हमने खाना शाना खा लिया और बड़ा मुनासिब सा रेट मिला है हमें यहाँ से। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एक तो टेस्ट बड़ा कमाल का निकला है और दूसरा कि लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 200 RMB में मैंने बड़े अच्छे तरीके से खाया, बहुत ज़्यादा गोश्त भी था उसमें और कुछ सी फूड भी थी, सब कुछ खाया। तो भाई अगर हम नॉर्मली दूसरे किसी रेस्टोरेंट पर जाकर खाना चाहें ना इस तरह की फूड, तो 400-500-600 RMB इसलिए लग जाता है, और वो टेस्ट भी इस तरह का नहीं होता, लेकिन मज़ा आया भाई, सच में मज़ा आया। वेलकम बैक दोस्तों, अभी वापस आ गया हूँ कमरे में। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से चाय भी नहीं पी और थोड़ी सी नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं हो रही। तो अब वहाँ जाना था मैंने, लेकिन वहाँ जाने का दिल नहीं किया, वापस आ गया हूँ। आते हुए मैं लिप्टन लेके आया हूँ, साथ में कोई कप शप लेके आया हूँ, ये देखिए चीनी चीनी लाई है, दूध भी लेके आया हूँ, कुछ चाय शाय का, यहाँ पर केटल दी हुई है, चाय शाय का प्लान बनाते हैं, चाय शाय पी के फिर सोते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं और सुबह फिर निकलेंगे। और सुबह जो हमारा दिन इधर ही होगा, चौंशिंग में होगा, तो सुबह फिर वो जो है ना चीज़ें जो इधर उधर प्लेसेस रहती हैं देखने वाली, वो देख लेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ सुबह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अभी पानी बॉयल होना रख दिया, दूध शूट हमने ओके कर लिया, रेडी कर लिया। ये लिप्टन शिप्टन भी ओके है, तो बस जैसे ही गर्म होता है पकाते हैं फिर चाय इसमें। जी दोस्तों, तो हमारी चाय हो गई है ओके रेडी, अभी पीते हैं मज़े से और फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।